संविदा पर नियुक्ति का मामला है और उसमें निचली अदालत से सिंगल बेंच से फैसला हो चुका है और उस फैसले के विरुद्ध वकील साहब पहुंचे हैं उस संविदा कर्मचारी की याचिका लेकर हाई कोर्ट में। अब इस पर सुनवाई शुरू होती है, मगर होता मामला यह है कि एक तो आर्ग्यूमेंट में यह है कि आपने अपने केस के लिए कोई दलाइल तय किए हुए हैं, आपने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, फाइन गुड इनफ, बट इस पे सुपरसीट करेगा कि जो वहाँ आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। हाँ, उसी के जवाब में अगर आप होशियारी के साथ अपनी बात रख दें या उसको ही आधार बना दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ सबसे पहले तो इस मामले पे थोड़ा सा एक कहना चाहिए हल्का फुल्का स्क्वैबल होता है और फिर उसके बाद मामला जाता है कि जब पेपर्स की बात आती है अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेकर कि कहाँ लगा हुआ है वो एक्चुअली, तो दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड अ एग्जाई और ब्रीफ ऑफ द सेम। वी कैन सी सेम थिंग, हम ये देख सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में होती है तो आप देखेंगे कैसे खटाखट बोलते हैं वो वकील साहिबान और उससे ये समझ में आता है कि प्रिपरेशन न सिर्फ होनी चाहिए कि हमने सब तैयार कर लिया बल्कि इस बात पे भी होनी चाहिए कि हमको उसका ब्रीफ कितना याद है, हम कितना आसानी और जल्दी के साथ कोर्ट के पूछने पर किसी डॉक्यूमेंट का जो संलग्नक है या जिसमें वो अटैच्ड है वो नंबर बता पाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस वजह से अननेसेसरीली एडजॉर्न होता है केस। आइए इसको देखते हैं, ये हम सब के लिए सीखने की बात होगी जो भी लॉ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो बात एक ही है, हमने दो है और 16.1 आप कौन सी कर रहे हैं सर? 9.1 बताइए। आप डब्ल्यू पे बहस कर रहे हैं, अब दिखाइए
वेयर इज योर अपॉइंटमेंट लेटर? सर इनिशियल अपॉइंटमेंट फेज थ्री आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट एंड द पी टू पी टू द एडवर्टाइजमेंट फेज थ्री कहां किसका फेज थ्री अनेक्स पी थ्री फेज पी इसमें लगा डब्ल्यू में लगा है डब्ल्यू सर ये पेपर को डब्ल्यू में लगा डब्ल्यू में लगा कहां लगा जरूर बताओ डब्ल्यू से केवल फैसला आता है सॉरी सर डॉक्यूमेंट लगे पी वन पे 17 पे क्या देख लो लिस्ट आफ्टर वेकेशन डॉक्यूमेंट लाइक आपको दिया करो आपको